तो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई हमारी, हम नहा के रेडी हो चुके हैं और हम मंदिर में सीधा देने जा रहे हैं दोनों। तो यहाँ क्या है कि काफ़ी पब्लिक है, तो हम सामने से नहीं बना रहे, पीछे से बना रहे, तो आपको मंदिर दिखा देते। तो देखते चलो अब मंदिर में हमें कोई मिलता है कि नहीं, देखते हैं। देख लो हाथ धो के हम रेडी हैं और मंदिर जाकर आ चुके हैं। अब फास्ट खोलेंगे, टाइम कितना हो गया? नौ बजने वाले हैं टाइम। पर मुझे ऐसा लगता है मैं फास्ट नहीं खोल पाऊंगी, मुझे क्लास आनी है 9 बजे। 9 बजे एंटर, ये जब तक है ना तैयार होगी जब तक मैं सब्जी बना दूंगी। मैं तैयार नहीं होती, मैं ऐसे मेरी वो डायरी ली और मैं चली जाती हूँ, ये रहा मेरे बगल में है। तो ठीक है, तो फिर तू आएगी तभी मैं सब्जी बनाऊंगी। तो कितनी बजे? मैं 10 बजे, ये 10 बजे आएगी, 10:15 बजे। तो जब तक टाइम हो गया और अभी तक हमारी सब्जी भी नहीं बनी है। अब हमें 11 बज जाएगी खाना खाते खाते और मैं इसको छोड़ के आती हूँ इसकी कंप्यूटर क्लास, टेली क्लास। हाँ टेली क्लास, तो ये जा रही है और मैं जाऊँगी। एक मेरी डायरी और मेरा फोन, तो इसको भेज देते हैं और हम थोड़ा बैठ के इसका घंटे 1.5 घंटे 10-11 बजे तक इंतज़ार करेंगे। नहीं नहीं 10 बजे। तो 10:30 टाइम हो रहा है और ये लड़की आ गई है कंप्यूटर क्लास जाके और अभी हमने फास्ट खोला है और अब ये देख रही है अपनी सीरियल्स। मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग अगर मेरे मन में आ गई तो। टाइम हो रहा है 5 और हम यहाँ पार्क में आए हैं, सारे दिन तो पढ़े थे और अब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले माला करूँगी उसके बाद भगवद गीता पढ़ूँगी, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं सामने। कल अपन यहाँ आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो गाइस हम लगभग पता नहीं कितने मंदिरों में जा चुके हैं यहाँ प्रताप नगर के, पर हमें ब्लॉग बनाना याद नहीं रहा, तो अभी बना रहे हैं। बढ़िया, देखो गाइस हमें प्रसाद मिला है, हेमरतन तो खा लिया है लेकिन मैंने नहीं खाया। गाइज हम घर जा रहे हैं, काफ़ी काला काला आ रहा है। बस इतने काले नहीं है। हम हमारे घर पहुंच चुके हैं। तो गाइज इससे ज्ञान ले लो आप। हाँ तो देखो जब भी आप लोग आटा लगाओ, अपना बर्तन गीला होता है ना अक्सर, तो उसमें सबसे पहले नमक डालें। अब ये मैं पूछना क्या होता है इससे, क्योंकि ये सबको पता होता है नमक पानी सोख लेता है। ठीक है अभी आटा लगाएंगे इसमें, इसलिए ये गीला है। आज के लिए इतना बहुत है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम अब घर आए हैं, अब खाना बनाएंगे और खाएंगे। और ये देखो लड़कियों के रूम में हमने ये फैला रखा है, अब हम इनको सामटा सामटी करेंगे। सारे दिन में हम मंदिरों में घूमते फिर रहे थे, भगवद गीता पढ़ रहे थे और कितनी अब रोटी बना रहा है? कितनी रोटी बना रहा है? 4-5। पाप लगा लो, फेमस होगा पावड़ा तू, मेरा ब्लॉग मार, शुक्र गुजार, शुक्र बकाने कहेंगे, शुक्रिया अदा कर मारो, बता फिक्स मैंने बार फिर फोन कर बता दी। किताबें क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है,
चैतन्य चरितामृत श्रुति स्मरणादि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधि विना, कि अगर श्रुति है ना और स्मृति पुराण अगर ये आधार नहीं है तो इसके बिना अगर कोई भी भक्ति करता है तो वो केवल समाज में उत्पादे ये कल्पते, वो केवल समाज में उत्पाद करता है, वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति का एक आधार होता है, भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटल, इट इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक फिलोसॉफी। विदाउट रिलीजन इज द सेंटिमेंट, द मेंटल स्पेकुलेशन। अगर कोई भी ये शयन आरती है। जा रहे हैं, टाइम हो गया 8:30 हो रहे हैं तो निकलते हैं। बागा आ गया लेने। बागा ऐसे तो भैया कह रहे थे आने के लिए लेकिन भैया ने मेरा फोन काट दिया। देखिए गाइस 11:17 हो गई और ये यहाँ मेहंदी पार्टी चल रही है कल के लिए शिवरात्रि के लिए। ये देखिए ये मैंने बनाई है गाइस, कुछ ही नहीं मैंने बनाई है, एक रैपट पड़ी ना चंपा, इसने इसने ये चौकड़ियां करी है, ये चौकड़ियां जो लगा रखी है ना बस, ये झूठी लड़की मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। लोग कहीं ही करते हैं एंड, तो कल शिवरात्रि है इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई। मैंने अपने तो ये चीज़ मन में दिखा तेरी व्लॉग की जान में। बाय।